10 क्वेश्चन है टोटल फिर आज के सीरीज में, टोटल कितने क्वेश्चन है 10। और ये जो सीरीज नंबर कौन सी है, पहली आपकी सीरीज क्या हो गई, खत्म हो गई है, ये सीरीज नंबर 2 है। सीरीज नंबर 2 के आपके क्या होंगे, यहाँ से क्वेश्चंस होंगे। तो भैया क्वेश्चन पहला वाला आप लोग थोड़ा सा क्लिक करें, क्वेश्चंस क्या है ये देखिए। यहाँ पर द नहीं लिखा है, यहाँ पर लिखा है यदि एन क्या है, सम संख्या है, तब 6 की पावर n-1 विभाजित है। बताइए यदि n एक क्या है, सम संख्या है, तो कह रहा है तब 6 की पावर n-1 क्या है, विभाजित है, किससे विभाजित है बताइए। यदि n क्या है, एक सम संख्या, तो 6 की पावर n-1 किससे विभाजित है, तो कोई भी एक सम संख्या ले लो छोटा छोटा, भाई आप n की जगह क्या ले लो, 2 ले लोगे तो 36 माइनस 1 कितना आ गया 35। अगर n की जगह 4 ले लिया तो फिर 36 का क्या करेंगे स्क्वायर, वो भी किससे विभाजित हो जाएगा आपसे, एक्चुअली क्या है वो टाइमिंग है दूध पकाने का हमारे यहाँ, तो ये अलार्म लगा है। चलो ये क्वेश्चन समझ में आ गया, कौन सा आंसर सही है आपका, 35 ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, और बताइए अगला क्वेश्चन इसका आंसर क्या है, ये अगला क्वेश्चन आया इसका आंसर बताइए फटाक से। भाग देने की प्रक्रिया, बताइए आंसर कौन होगा, लगाइए थोड़ा सा आराम से लगाइए इत्मीनान से, ये प्रैक्टिस करना है, और ये ऑनलाइन नहीं पढ़ा रहे हम एक हिसाब से कि ऑनलाइन है, ये प्रैक्टिस बैच है। प्रैक्टिस बैच का मतलब है कि इत्मीनान से आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, और प्रैक्टिस करने के बाद फिर उस क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है। आंसर बताइए, इतना टाइम नहीं लगता है, देखिएगा जरा क्वेश्चंस को देखिएगा क्या कह रहा है। भाग देने की प्रक्रिया में भाजक भागफल का क्या है, 8 गुना है। अब आप भाग देने की प्रक्रिया समझिएगा कि भाग देने की प्रक्रिया होती क्या है। अब इस भाग में आपको समझना है ये आपका क्या होता है भाजक, ये क्या है भागफल, और इधर क्या होता है शेषफल होता है, सॉरी भागफल होता है ये भाज्य, सॉरी ये भाज्य होता है, इधर भागफल और नीचे क्या होता है शेषफल होता है। भाग देने की प्रक्रिया में भाजक भागफल का क्या है 8 गुना है, यानी जो भाजक है भागफल का क्या है 8 गुना है। लॉजिक समझेगा इसका क्या है 8 गुना। दूसरी बात, और शेषफल का 4 गुना, इस शेषफल का क्या है ये 4 गुना है। यदि कह रहा है शेषफल क्या है 14 है, अगर शेषफल को 14 मान लिया तो लॉजिक समझना 14 चौक ये 56 आया, तो बताइए भागफल कितना आ जाएगा 7 7 8। तो क्या कह रहा है, तो भाज्य क्या है, तो भाज्य बराबर क्या होता है भाजक गुणे भागफल, 56 गुणे 7 प्लस शेषफल 7 6 42 7 5 35 35 और 4 कितना होता है 4 2 6 9 1 10 3 1 4 406 ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट ऑप्शन। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जब मैंने आप लोगों को क्लास में पढ़ाया था तो इस वैरायटी के क्वेश्चंस जरूर बताया होगा नंबर सिस्टम में, और बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है।
और इसकी मैं सीरीज लेकर आया हूँ 6-7 क्वेश्चन की, 5-6 क्वेश्चन की। इंग्लिश है? ओके ओके सर, इंग्लिश डन, कल से इंग्लिश में भी रहेगा। ओके नोट कर लो, हो गया। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, अजय भाई लगाया जाए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर क्या है बताएं जरा फटाक से। आ गया नेक्स्ट क्वेश्चंस, इसका आंसर बताइए आप लोग। भाजक भागफल का क्या है 25 गुना है, और शेष फल का यदि भागफल 16 है तो भाज्य ज्ञात कीजिए। मैं उम्मीद करता हूँ सबसे बनना चाहिए, सेम लॉजिक लगाइए, आपके पास 30 सेकंड का समय है, क्वेश्चंस लगाइए। शिप कर दिया, बंद हो गया। अब देखिए भाजक भाग फल का 25 गुना है, समझे क्वेश्चन? फिर वही चीज, इसको मैं भी साइड में लिख लेता हूँ क्योंकि ये पैटर्न आपका काम करना ही करना है। यहाँ पर जो होता है ये बोलते हैं भाज्य, क्या बोलते हैं भाई? भाज्य। इसको बोलते हैं भाजक, और ये आपका कहलाता है भाग फल, और नीचे आपका क्या होता है? शेष फल होता है, ठीक है भाई, है ना, इतना होता है हमारे पास। अब इसमें क्वेश्चन ने क्या कहा कि जो आपका भाजक है, समझेगा, भाजक भाग फल का, अब समझेगा किसकी चर्चा कर रहा हूँ, भाजक भाग फल का 25 गुना, इसका 25 गुना कौन है? इसका 25 गुना ये है, एरो लग गया। फिर और शेष फल का क्या है? 5 गुना, इसका 5 गुना ये है। यदि भाग फल 16 है, ये क्या आ गया 16, तो बताइए। अब देखो 16 पंचे 80, 16 दुनाई 32, और 32 8 कितना होता है 400, आपका क्या निकला? भाजक निकला। अगर इसका 5 गुना 400 है तो 1/5 क्या होगा? शेषफल ही होगा, तो 4 पंचे 15 8 40, 80 शेषफल आ गया भाई। 80 का देखो करो गुना, देखो अगर किसी चीज का 5 गुना है यार उसका या क्या कर दो, भाग दे दो, यानी कितना हो जाएगा 1/5 हो जाएगा। तो अब क्या बताइए, 400 × 16 ऐसे लिखोगे ना, अब प्लस 80, 16 × 64 प्लस 80, 6480 कहीं पर है? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, नोट करिए 6480 आपका आंसर आ गया। कौन सा ऑप्शन है ये? ऑप्शन नंबर बी इज आपका आंसर हो गया 6480। आ रहा है? क्लियर है भाई? अब इन क्वेश्चनों को एक एक करके दिमाग में बैठाते हुए चलना है, एग्जाम में यही क्वेश्चन मिलेंगे, और नंबर सिस्टम में मैंने जितने क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस करा दिए और उतने करके चले गए तो कांस्टेबल छोड़िए एसआई के क्वेश्चन तक नहीं छूटेंगे। कांस्टेबल तो ये जो प्रैक्टिस बैच है ना, ये हाई लेवल को भी लेकर के चलेगा, छोटे से लेकर के हाई लेवल। आप चाहे एसएससी प्री दीजिए, बैंक दीजिए, रेलवे दीजिए, ठीक है, यूपी पुलिस दीजिए, यूपी एसआई दीजिए, और यूपी पेट दीजिए, नो प्रॉब्लम। यूपी पेट के कोई भी एग्जाम दीजिए, लेखपाल, वीडियो, कुछ भी दीजिए, प्रैक्टिस बैच में सारे क्वेश्चन कंटेंट दूंगा, क्योंकि जो पढ़ाने वाला है वो तो अलग है ही है, प्रैक्टिस थोड़ा सा क्या होना चाहिए, हटके होना चाहिए, है ना। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन करो, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके सामने। चलो जी इसका आंसर बताइए क्या होने वाला है। अरे भाई मैं इसकी वो भेज दूंगा, पीडीएफ भेज दूंगा, टेंशन मत लो, मेन चीज क्वेश्चन लगाओ पहले पटाख से, ठीक है। मैं आपको केवल दे रहा हूँ 20 सेकंड, अभी मेरे स्क्रीन पर चल रहा है यहाँ पर कि 20 सेकंड कितने हुए।
धुमला तो नहीं हुआ ये? चलो देखिएगा जी, फिर से वही क्वेश्चन कि रे भाग देने की प्रक्रिया में, समझेगा, भाग देने की प्रक्रिया में भाजक भागफल का 14 गुना है। ध्यान सुनिएगा, भाग देने की प्रक्रिया में भाजक भागफल का 14 गुना है। भागफल ये आया, भाजक ये आ गया, 14 गुना हो गया। कितना गुना हो गया? 14 गुना। और शेष फल का 4 गुना है, जो ये भाजक है शेष फल का कितना गुना है? 4 गुना। अब इसमें दिया कौन सा डाटा है? शेष फल। शेष फल कितना दे रखा है? 4। 4 चौको अगर 16 का 14 गुना ये है भाजक, भागफल का 14 गुना है और शेष फल का 4 गुना है। यदि शेष फल 4 है तो भाज्य क्या है? चौदह गुना नहीं होगा, 4 गुना होगा। 1 सेकंड एक बार चेक कर लेते हैं। कौन सा क्वेश्चन है? 4 नंबर का। चलिए, भी क्वेश्चन इसमें नहीं समझ में आ रहा, देखते हैं भाई। इसमें क्या है ना कि अगर इसका 14 गुना 16 है तो इसका 1/14 ये होना चाहिए। तो इसमें देखिए, पहले 4 करके देखते हैं आंसर क्या आता है। ये 4 गुना इसको मान लो, ये 14 गुना नहीं है, क्या मान लो इसको? 4 गुना मान लो, तो कितना हो जाएगा? तो ये 4 आ जाएगा। 16 चौक 64 प्लस 4, 68 कहीं पर ऑप्शन में है? नहीं है। ये भाग देने की प्रक्रिया में भागफल का, भाजक भागफल का कितना है? 4 गुना है। भागफल का 4 गुना है और शेष फल का 4 गुना है, और शेष फल का भी क्या है? 4 गुना है। यदि शेष फल 4 है तो 4 चौक 16 और फिर ये 4, आंसर आएगा 68। इसमें भले ही नहीं है, इसके अकॉर्डिंग आंसर क्या आएगा? 68 68। ऑप्शन क्या होगा इसमें? सही होगा। 14 गुने वाली कंडीशन में अलग आएगा आंसर, फिर वो आंसर क्या आएगा? अलग आएगा। या फिर चलिए 68 आएगा इसमें, 68 नोट कर लीजिए। उसमें स्क्रीन चला, अगर मैं इसको, मालूम है इसको, मैं 7 गुना कर दूं, ये 7 कर दूं, सचोक 28 और ये 14 दुनाई 28 दुनाई 56, 56 और 7 कितना होता है? 63। हाँ, अगर मैं इस क्वेश्चन में ऐसा कर देता हूं कि इस शेष फल को क्या कर देता हूँ? 7 कर देता हूँ और ये 14 गुना रहने देता हूँ, तो ये ऑप्शन आपके क्या हो जाएंगे? मैच हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपको शेष फल को क्या कर देना है?
सात, इतना करेक्शन कर लीजिएगा। जब पीडीएफ दूंगा तो उसमें 14 ही चार ही लिखा होगा, उसको क्या कर लीजिएगा, सात कर लीजिएगा, ठीक है। सात करेंगे तो सचोक 28, 14 दुनिया 28, यानी ये कितना हो गया, दो हो गया। तो आंसर क्या आएगा, 28 गुणे 2 प्लस 7, 28 दुनिया 56, सात कितना होता है, प्रश्न ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ऐसा क्वेश्चन है ये, यहाँ पर ये मिस प्रिंट है, ये चार की जगह क्या कर लो, सात, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन खोलो, लगाइए भाई इसका आंसर क्या है। देखिए सेम फिर से वही क्वेश्चन वैरायटी का, एक ही वैरायटी क्वेश्चन लेकर आया हूं आज मैं प्रैक्टिस के लिए। लगाइए क्वेश्चन, भाग देने की प्रक्रिया में भाजक भागफल का 10 गुना है और शेष फल का 5 गुना है। यदि शेष फल 48 है तो भाज्य बताइए। उम्मीद करता हूँ ये आंसर आप लोगों से बनना चाहिए भैया, सबसे बनना चाहिए, सेम वैरायटी का क्वेश्चन है। लगाइए, फाइव एट जीरो एट, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्या मुझे बताने की आवश्यकता है भैया, क्यों भैया आप बताएं, नहीं आया समझ में, कोई बात नहीं, देखो संकोच नहीं करना है, यहाँ पर मेरे लिए सब बराबर हो, ठीक है। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो उसको क्या करना है, पूछना है। प्रैक्टिस बैच के लिए मतलब नहीं कि आए और देख करके चले गए, फॉर्मेलिटी भी मुझे भी नहीं अदा करनी है ना आपको करनी, नहीं, इसलिए मैं 10 क्वेश्चन लेकर आया हूँ कि इत्मीनान से अगर एक क्वेश्चन को मैं 5 मिनट भी ले रहा हूँ तो 50 मिनट में क्या हो जाएगा, वो पूरा हो जाएगा, और धीरे धीरे जब आपकी आदत बन जाएगी तो क्लियर हो जाएगी। देखिए भाग, ए भैया बात बिल्कुल ना किया करो, बात बिल्कुल भी मत किया करो, इसके साथ मत बैठा करो यार, कितनी बार मैंने बताया इस चीज़, तो यार मुझसे नहीं पूछ सकते हो। भाग देने की प्रक्रिया में भाजक भागफल का क्या है, 10 गुना है, ठीक है, अब इसमें समझिएगा, और शेष फल का कितना है, 5 गुना है। यदि शेष फल 48 है तो सेम वही प्रोसेस करो, क्या सेम वही प्रोसेस, 48 शेष फल है, ठीक है, भाजक भागफल का 10 गुना है, भागफल इधर होता है, भाजक इधर होता है, यानी इसका 10 गुना कौन हो गया, ये प्रोसेस हो गया। और कह रहे हैं शेष फल का क्या है, इसका ये क्या है, 5 गुना है, तो यानी 48 पंजे कितना होता है, 8 पंच 40, 8 चौक 32 यानी 307, 5 चौक 20, 240, यानी 240 आपका क्या निकला, भाजक निकला, क्या निकला, भाजक, ठीक है। अब इसमें कह रहे हैं अगर इसका 10 गुना ये है तो इसका 240 बटा 10 यानी 24 कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्या यहाँ तक क्लियर हो गया। अब ये एक फार्मूला होता है ये भाज्य बार कि भाज्य बराबर होता क्या, भाजक गुणे भागफल, यानी 24 गुणे 24 प्लस 48, 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576, 576 लिखा, एक ठो जीरो अलग से लगा दो। अब इसमें 48 आप क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए, 8 6 4 10 की जीरो से लगा, 1 7 1 8 58 08, ये ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अब क्या समझ में आ गया, इधर ऋतु आपके समझ में आया, देखो सिलेक्शन लेना है, आप लोग अगर मुझे समय दे रहे हो, 5 घंटे या देते हो आप लोग, 2.5-3 घंटे सवेरे और 1.5-2 घंटे शाम के, तो अगर सिलेक्शन ना हुआ तो मेरा पढ़ाना और आपका पढ़ना क्या है, बेकार है, सीधी सी बात। ये जो रात के मैं मेहनत कर रहा हूँ आपके साथ 4 दिन के लिए, हफ्ते में वीकली जो रहेगा, ये किसके लिए है, आप ही के लिए है। और मैं 3 दिन क्यों छोड़ रहा हूँ, सैटरडे संडे मंडे, कि आप रिलैक्स लीजिए, इन 3 दिन में जितना पढ़ाया गया है 4 दिन का मटेरियल उसको क्या करिए, रिवाइज करिए,
ये सैटरडे संडे मंडे क्या रहेगा, ऑफ रहेगा, ओनली 4 डेज अ वीक, मंगल बुध बृहस्पति शुक्र, क्योंकि आपको भी तो समय चाहिए, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भाई डालो। चलिए आ गया फिर से एक प्यारा सा क्वेश्चन, क्या कह रहा है, इतने को निश्चित संख्या से विभाजित करने पर भागफल इतना, शेषफल इतना है, तो बताइए भाजक क्या होगा, बताइए। एक ही पैटर्न पर आज क्वेश्चंस लेकर आया हूँ, 10 क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए देखिए, कह रहा है कि इसको निश्चित संख्या से विभाजित करने पर, यानी ये कुछ ऐसा लिखा है, ये कोई संख्या 93,7,2,4,6 लिखा हुआ है, किसी निश्चित संख्या n से विभाजित करने पर भागफल कितना आ रहा है, 865 आ रहा है, और शेष फल कितना आ रहा है, मतलब इस क्वेश्चन का मतलब ये लिखा है, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चंस क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा, कि कह रहा है कि वो संख्या कौन है, भाजक कह रहा है, तो बताइए आप लोग जानते हैं n गुणे 865 होगा, n गुणे 865 प्लस 211 बराबर 93, इतना होता है, तो बताइए n बराबर, देखो ये जो प्रोसेस है एग्जाम में नहीं किया जाता, इनकी जो प्रैक्टिस है इतनी कर लेना है कि n बराबर आएगा क्या, n बराबर आएगा कि जो ये 93, 72 और 46 लिखा हुआ है, 93, 72, 46 लिखा हुआ है, इसमें 211 क्या करिए, माइनस करिए, 211 क्या करिए, माइनस करिए, और साथ में भाग किसका दे दीजिए, 865 का। अच्छा ईमानदारी से बताना, इकाई के अंक में क्या है, 5, और 6 में से एक गया कितना बचा, 5, तो आंसर वही सही होगा, ठीक है, जिसमें या तो क्या हो, एक हो। अब देखिएगा भाई, 5×25 भाई, 6 में से एक गए कितना बचा, 5, आप कोशिश करेंगे, देखिए 6 में से एक गए 5, 4 में से एक गए 3, और 2 में से 2 गए 0, और कितना बचा, 2, 7, 3, 9 डिवाइडेड बाई क्या है, 865। एक बात बताएं, डिजिटल सम निकालना, डिजिटल सम, पॉइंट में तो आ ही नहीं सकता, देखिएगा 9 से देखिएगा क्या बचा, 9, 3, 7, 0, 3, 5। अब देखिएगा 9 कटा, 7, 2, 9 कट गया, 1 बचा, 5, 4, 9 कट गया, डिजिटल सम ऊपर कितना आया, 9, नीचे भी डिजिटल सम कितना है, कट गया कितना आया भाई, 9 का मल्टीपल है ऊपर, यानी ये 9 से कट रहा है, तो जो 9 से जब कटने के बाद आप देखिए क्या आ रहा है, तो भाई कौन सा बचा फिर, तो फिर ऑप्शन नंबर ए डी गलत, कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट भाई, 9 का केवल मल्टीपल क्या मिल रहा है, ए ही तो मिल रहा है, क्या है, 8, 1, 9, 6, 3, 9, 1 बचा नीचे, 1 बचा, 1 रिमाइंडर नीचे आया, चलो 9/1 आ गया, इसका मतलब क्या है, 9 ही तो है, 9/1 का मतलब क्या है,
पॉइंट में आ रही है। वन सेकेंड ऑप्शन देखते हैं फिर आंसर तो यही आ रहा है यार, 4, 5, 9 नो, कोई पॉइंट नहीं है। वन सेकेंड में देखे ले रहा हूं, 9, 3, 7, 0, 3, 5, 8, 6, 5 अच्छा 10 सौ कुछ आ रहा है ना, ऐसा ऑप्शन में नहीं है ना, तो आप ऐसा करो ध्यान से सुनना, ये आंसर सब 500 के नजदीक जा रहे हैं, वो 10 सौ जा रहे हैं यानी डबल जा रहा है, आप इसको 93 को 39 करो, 39, 72, 46 हमने तो डिस्टल सम लगा दिया, ठीक है यार है? तो ये ऑप्शन में कर लीजिएगा, 93 की जगह कितना 39, बट जो तरीका है क्या है यही है, डिजिटल सम कितना आया 9, तो डिजिटल सम क्या आएगा 9, टिक करिए। देखिए एग्जाम का तरीका क्या है, डिजिटल सम का ही है, ठीक है समझ में आ गया। यहाँ पर ऑप्शन आप मिस कर लीजिएगा, 397246, 397246 हमको बता दीजिएगा कौन कौन से उसमें प्रॉब्लम है, तो अभी तत्काल हम चेंज करके फिर सेंड करेंगे पीडीएफ। बताइए अगला क्वेश्चन बताइए, चलिए आ गया क्वेश्चन, फिर आंसर बताइए इसका क्या होने वाला है। चलिए अब छोटे छोटे क्वेश्चन है, यहां से कह रहा है डी को इतने से भाग दिया जाता है, तो ये क्या है भाजक है, शेषफल कितना बचता है, इतना बचता है, तो इसी संख्या को 23 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल क्या होगा, प्यारा क्वेश्चन है। यदि किसी संख्या को इससे भाग देने पर शेषफल 73 प्राप्त होता है, तो उसी संख्या को 23 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। जब भी कभी ऐसी कंडीशन आए पहले देखो, ध्यान सुनिए, यदि कोई संख्या D है, D को किससे भाग देने पर 899 से भाग देने पर रिमाइंडर कितना बच रहा है, 73 बच रहा है, तो कह रहा है उसी संख्या D को 23 से भाग देने पर रिमाइंडर क्या बचेगा, यानी ये पैटर्न है क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस कह रहा है ये। अब इस क्वेश्चंस को लगाएंगे क्या, तो जब D से भाग देने पर शेषफल ये बचता है, तो n बराबर क्या होगा इस संख्या से इसमें भाग देने पर, तो भाई आप ये बताइए, अब आप इसमें ये चेक करिए क्या ये संख्या इसको पूर्णतया विभाजित कर रही है, तो पहली चीज 23 का भाग दो, इसमें भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है? अब ऑप्शन चेक करें, इसमें क्या नन ऑफ दीज है कहीं पर, नहीं है, तो इसका मतलब हम सही सही जा रहे हैं। अगर ऐसे पैटर्न का कभी क्वेश्चन आए, तो जो लास्ट वाला इसी संख्या को 23 से भाग देने पर सीधा शेष फल को किससे भाग दे दो, 23 को ही भाग दे दो, यानी 73 से किससे भाग दे दो, 23 का 23, 43, 69, 69 और 70 और कितना बचा शेष फल, कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन करेक्ट। बात नहीं समझ में आई, मतलब जब भी कभी ये पैटर्न का क्वेश्चन आए, ये भी क्वेश्चन क्या है एक इम्पोर्टेंट पैटर्न है, ये भी क्वेश्चन क्या है एक इम्पोर्टेंट, बेहद इंपॉर्टेंट पैटर्न है, कि जब भी कभी इस क्वेश्चन का आ जाता है यदि किसी संख्या को इससे भाग देने पर शेष फल इतना प्राप्त होता है, तो उसी संख्या को डी संख्या को उसी संख्या को 23 से भाग देने पर, तो अगर नन ऑफ दीज या कुछ कुछ नहीं लिखा है, तो डायरेक्ट शेष फल को किससे भाग दे दीजिए, 23 से भाग दे दीजिए, इतने बवाल को क्या कर दीजिए,
हटा दीजिए। अगर ऑप्शन में नन ऑफ दीज या इनमें से कोई नहीं ऐसा कोई ऑप्शन लिखा है तो एक बार चेक करिए क्या ये इसको पूर्णतया विभाजित कर रहा है। अगर विभाजित कर रहा है तो डायरेक्ट भाग दीजिए, और अब विभाजित नहीं कर रहा है तो डायरेक्ट भाग मत दीजिए। आंसर क्या आएगा? कैन नॉट डिटरमाइन, बट आपके एग्जाम में नहीं आएगा, ये अदर एग्जाम में पूछे जाते हैं बहुत अच्छे से। कैन नॉट डिटरमाइन, जब सी एन डी का ऑप्शन दिया हो, मान लो ई ऑप्शन दे रखा है सी एन डी का, कब चेक करना है? जब ऑप्शन क्या दिए हो, जब ऑप्शन ही ना दिए हो तो चेक करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट रिमाइंडर को किससे भाग दे दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो भाई आठ नंबर का क्वेश्चन आया आपके सामने, एट नंबर का क्वेश्चन। देखिए समझिएगा, एक संख्या को इतने से भाग दिया जाए तो शेषफल 70 प्राप्त होता है, उसी संख्या के वर्ग में 17 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। देखो ये सारे पैटर्न मेरे कराए हुए पैटर्न है, अगर आप उठाकर देखें नंबर सिस्टम जो पढ़ चुके हैं उनको सारा ये मैं पैटर्न क्या कर चुका हूँ, पढ़ा चुका हूँ, बट ये क्या है, प्रैक्टिस सीरीज है। आप लोग पढ़े हो या ना पढ़े हो, मैं पूरा तरीका बताता हूँ क्वेश्चंस को लगाना कैसे है। अब आप देखेंगे, यदि एक संख्या को इससे भाग देने पर, सेम पैटर्न लिखिए स्टार्टिंग में, यदि किसी संख्या को 289 से भाग देने पर तो शेषफल 70 बचता है, तो उसी संख्या के वर्ग के यानी नंबर के वर्ग को 200 किससे 17 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। एक बात बता दूं, जो एक्शन नंबर में किया जाता है वही एक्शन किसमें किया जाता है, शेषफल में किया जाता है। यानी कह रहा है इधर नंबर का क्या किया मैंने स्क्वायर, तो इधर 70 का क्या कर दो और इस 70 के स्क्वायर को किससे भाग दे दो, 17 से। नहीं समझे आप, नंबर का स्क्वायर, एक एक क्वेश्चन यहां पर लिख दीजिएगा, जो एक्शन नंबर में किया जाता है वही किसमें होता है, वही रिमाइंडर में करना है। ध्यान सुनना, जो करो वही, इसमें वर्ग करो तो वर्ग, दोगुना करो तो दोगुना, तीन गुना करो तीन गुना, क्यूब करो तो। अच्छा एक बात बताओ, इसका मतलब है क्या, 70 × 70 ही तो है, अब मुझे स्क्वायर नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं अलग अलग भाग दे दो, 17 × 68 ठीक है, शेषफल कितना आया 2, 17 × 64 शेषफल कितना आया, एक्शन गुणा कौन है 2 × 2 कहीं पर आ रहा है नजर, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। जब भी ना समझ में आए तो एक दो बार वीडियो घुमा करके देख लेना, वीडियो का मतलब यही है, ये प्रैक्टिस में दे रहा हूँ कि आपके साथ साथ जो क्लास नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं उनके लिए भी बेनिफिशियल हो, और जब भी कभी आप पुनः भविष्य में प्रैक्टिस करें यार उठाकर पुराने क्वेश्चन लगाए जाएं और कहीं भूल जाओ तो उठाकर देख लो तुरंत समझ में आ जाएगा, क्यों, क्योंकि आज आप प्रेजेंट हो। क्लियर हो गई, और क्लास को बिल्कुल भी प्रेशर में नहीं पढ़ना है, नहीं आप 2.5-3 घंटा मेरे साथ 5 घंटे एडजस्ट नहीं कर पाओगे। क्लास में मन नहीं चल रहा है, थोड़ा सा आपको रिलैक्स चाहिए, आप बाहर निकल जाइए, हवा खाइए, थोड़ा सा ठूंसिए हवा आराम से, फिर से पुनः आ जाइए, है ना। अब ये नहीं कि बहुत सारी चीज़ें, कहाँ सारी चिप्स ले आए हैं इठो खाते रहें साथ में, क्यों ऐसा ही है ना अरे वो तो पूछो ना भाई, वो तो चिप्स ही खाती रहती थी। चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा भैया, समझ में आ गया। चल दूसरा है, अच्छा लगाओ इसमें, देखना फिर से आ गया वही है गोला, एग्जैक्ट जगह लगा था ना 36 में ही। देखिए अगर मैं ये क्वेश्चन क्लास में कराऊं ना तो 10 क्वेश्चन ना हो डेली, यहाँ पर अभी 10 हो रहे हैं, धीरे धीरे स्पीड बढ़ाऊंगा, अभी आप पढ़ रहे हो। यदि एक संख्या को 36 से भाग दिया जाता है, नंबर को 36 से भाग दिया जाता है तो शेषफल भैया कितना प्राप्त होता है, रिमाइंडर आपका प्राप्त होता है 23, तो उसी संख्या के
घन को, किसको? घन को। तो संख्या के घन को किससे भाग दिया गया? 12 से भाग दिया गया। संख्या के घन को 12 से भाग दिया गया, तो अब देखो तो 23 का क्या कर दो? घन कर दो। 23 का क्यूब किससे भाग दो? अब एक राज की बात बता रहा हूं, जिनको नहीं पता वो समझ लें। अगर 23 का 3 बार गुणा करोगे तो आपकी बुद्धि हरी हो जाएगी। क्यूब भी याद है तब भी आप 12 से भाग दोगे तो भी टेंशन में आ जाओगे। तो इससे अच्छा ये 23 की घात 3 का मतलब है 23 गुणे 23 इतना है, और डिवाइडेड बाई 12, तो 12 दुनाई माइनस का 12 दुनाई माइनस का 12 दुनाई 24 माइनस का 1, माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। अब फिर प्लस माइनस, रिमाइंडर आया माइनस के, मजा नहीं आया, रिमाइंडर कभी भी माइनस नहीं आता। तो जिससे भाग देते हैं उसको क्या कर दो? तो प्लस का 12 माइनस का 1 कितना आया? कहीं पर नजर आ रहा है? जी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। और इनको नहीं आ रहा समझ में? अरे इनको बहुत अच्छे से रटना है, बहुत अच्छे से दिमाग के बैठाना है कॉन्सेप्ट को, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। है क्या हो गया? नहीं नहीं पढ़ाया तो उनको पढ़ के आइए। आज मैंने सीरीज ही पूरी रिमाइंडर थ्योरम के लिए है, इसमें रिमाइंडर यानी भाग फल, ये अभी सक्सेसिव रह गया है, उसमें था कि भाग देने पर शेष फल अभी कितना बचेगा, ये भी आएंगे क्वेश्चन। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, इनको पैटर्न को 2-4 बार लगा मारना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आज के क्लास के एकदम लास्ट क्वेश्चन है हमारा। कैसा क्वेश्चन है? लास्ट क्वेश्चन रहेगा, और इस क्वेश्चन में चीजों को हम लोग कुछ अलग प्रकार से सीखेंगे। ये देखिए, क्या उसी तरह है क्या? बताओ, दो संख्याएं हैं, है वही। अच्छा एक बात बताओ, ऊपर लाइन क्या लिखा है? क्या लिखा है बताइए इसको जरा। जो एक्शन नंबर में किया जाए वही एक्शन किस में कर दो, बस और कुछ नहीं करना। ध्यान से सुनना, दो संख्या मान लो, पहली संख्या ए है, ए को 17 से भाग दोगे तो शेषफल कितना आ रहा है? 11 आ रहा है। दूसरी संख्या बी है, उसको 17 से भाग दोगे कितना आ रहा है? 13 आ रहा है। यदि दोनों संख्याओं के योग को, संख्याओं को क्या कर दिया? जोड़ दिया, को 17 से भाग दोगे तो शेषफल, अरे संख्याओं को क्या किया? जोड़ा। संख्याओं को क्या किया? तो रिमाइंडर को भी क्या कर दो? जोड़ दो। जो एक्शन नंबर में किया वही एक्शन किस में कर दो? तो 11 प्लस 13 कितना होता है? 24। 17 7 24 ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्या ये बताइए, ये क्वेश्चंस कोई आपको दिक्कत दे रहा है क्यों भाई? क्लियर हो गई बात? तो आज की क्लास ही हमारी कहाँ तक रहेगी? यहीं तक। ठीक है, बाकी मिलते हैं कब? मंगलवार को। अब सैटरडे और क्या संडे मंडे आपकी क्लास क्या रहेगी, मतलब ये वाली प्रैक्टिस वाली आप रहेगी, बाकी क्लास चलेंगी। ओके, थैंक यू।